नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईक्यू क्रैकर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के बारे में, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। लेट अस समराइज द ग्राउंड वाटर फर्स्ट। सो द ग्राउंड वाटर इज सिंपली अ वाटर दैट वी फाउंड अंडर द ग्राउंड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। चलिए हिंदी में बात करते हैं। तो यार, जब हमारा बरसात होता है तो उसका पानी हमारा दो जगह जाता है, पहला सरफेस में, दूसरा सब सरफेस में। तो यार, ये जो हमारा सब सरफेस वाटर है यानी कि जो ग्राउंड वाटर है, ये आखिर ग्राउंड के अंदर अंडरग्राउंड में जाता कैसे है, यही हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों, जब हमारा बारिश होता है तो आप लोग देखते होंगे कुछ पानी जो है बह जाता है और कुछ पानी जो है ज़मीन सोख लेता है। तो सोखने के बाद वो पानी रिश्ते रिश्ते जो है ज़मीन के अंदर चला जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद पानी जो है हमारे ज़मीन के नीचे चला जाता है और वहाँ पर जाके स्टोर हो जाता है। तो दोस्तों, हमारा अर्थ का सॉयल का लेयर जो होता है, वो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे ग्रेजुअली वो जो है हार्ड होते जाता है, और एक टाइम आता है जब वो बहुत ही हार्ड हो जाता है, जहाँ से पानी जो है और नीचे नहीं जा पाता है। तो उस लेयर को हम लोग दोस्तों इम्परमिएबल रॉक्स बोलते हैं, और इस लेयर के नीचे हमारा पानी नहीं जा पाता, इसलिए वो पानी जो है हमारा ऊपर ही स्टोर होकर रह जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जो ब्लू कलर का पोर्शन है वो हमारा पानी है जो ग्राउंड के अंदर हमारा स्टोर हो रखा है, और इस स्टोर हुए पानी को हम लोग एक्वीफर्स बोलते हैं। तो लेट्स से कि जो हमारा एक्वीफर्स है वो एक तरह से हमारे लिए अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर है, जो कि एक्चुअली में है। तो यार, अगर हमारा ये अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर है, इतना सारा हमारे पास पानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, खोद के निकालेंगे और क्या। बिल्कुल सही जवाब, सही पकड़े हैं। जब हम लोग कुआं वगैरह बनाते हैं, चापाकल बनाते हैं, तो हमारा वहाँ पर पानी कैसे आता है, इन एक्वीफर्स की वजह से ही आता है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि जब हम लोग कुएं का पानी पूरा ड्रेन कर देते हैं, सुखा देते हैं, तो सुबह को भला वो पानी वापस से उतना कैसे हो जाता है? ये भी दोस्तों हमारे एक्वीफर्स की वजह से ही होता है, क्योंकि पानी हमेशा अपना लेवल मेंटेन करके रखना चाहता है। जब हम लोग कुएं से पूरा पानी सुखा देते हैं तो एक्वीफर्स दोबारा से उस लेवल को मेंटेन करने के लिए कुएं में पानी भर देता है। तो यार, ये प्रोसेस हमारा तब तक चलते रहता है जब तक हमारा ग्राउंड वाटर टेबल कुएं के हाइट से नीचे ना चला जाए, और जिस दिन ऐसा होता है हमारा कुआं दोबारा नहीं भरता है, और हम लोग कहते हैं भाई कि सूखा पड़ गया, पानी तो ख़त्म हो गया। फिर दोस्तों एक मैजिक होता है, बरसात होने लगती है और हमारा कुआं फिर से भर आता है। मगर दोस्तों, अब इसमें नई बात क्या होती है कि हमारा कुआं अब पहले की तरह खुद ब खुद भर नहीं रहा होता है, क्योंकि हमारा ग्राउंड वाटर टेबल बहुत ही नीचे जा चुका होता है। अब ये दोस्तों हमारा क्यों हुआ, क्योंकि हमने ग्राउंड वाटर को यूज़ तो किया लेकिन उसे दोबारा से भरा नहीं, दोबारा उसे रिफिल नहीं किया, दोबारा उसे रिचार्ज नहीं किया। इसी की वजह से दोस्तों आज हमारे पास पानी की इतनी कमी है, क्योंकि यार अभी हमारे पास ग्राउंड वाटर ही नहीं है, एक्वीफर्स पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। जो भरे हुए थे वो हमारे पप्पा के पप्पा के पप्पा के पप्पा के टाइम के थे। तो समझ सकते हैं दोस्तों आज हम लोग किस टाइम पे जी रहे हैं, जहां पर हमें वाटर स्कार्सिटी का सामना करना पड़ रहा है। आज के टाइम दोस्तों गर्मियों में पूरी दुनिया में 40% पीपल्स के पास पीने का पानी नहीं होता। 40% मतलब समझ रहे हैं, 3 बिलियन पीपल्स, समझ रहे हैं कितना बड़ा नंबर है ये। इतने सारे लोगों को पानी पीने को नसीब नहीं होता, सोच सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं हम लोग आज के टाइम पे। तो दोस्तों क्या इसका सॉल्यूशन है, क्या हम लोग इस चीज़ से उभर सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे, इसी के बारे में दोस्तों आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो यार मेन प्रॉब्लम है कि हमारे ग्राउंड में पानी बचा नहीं है, एक्वीफर्स पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, तो अब हमें उसे जो है रिचार्ज करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसीलिए हमें अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना होगा। तो दोस्तों इसको रिचार्ज करने के हमारे पास कुछ मैथड्स अवेलेबल हैं, तो चलिए देखते हैं कि वो मैथड्स आखिर क्या क्या है जिनके थ्रू हम लोग ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग कर सकते हैं। तो यार ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए हमारे पास 3 तरह के मैथड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला है दोस्तों हमारा स्प्रेडिंग मैथड। तो स्प्रेडिंग मैथड क्या होता है, चलिए देखते हैं। स्प्रेडिंग मैथड में क्या होता है दोस्तों, हम लोग पानी को सरफेस के ऊपर ही जमा करके रखते हैं, और वो पानी हमारा नेचुरली इनफिल्ट्रेट हो करके हमारे एक्वीफर्स में जाता है और हमारे अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। आज के टाइम पे दोस्तों इस मैथड को इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अपनाया जा रहा है। आप लोगों ने सुना होगा कि सरकार के द्वारा डोभा वगैरह बनाया जाता है, गाँव देहात में तालाब वगैरह खुदाया जाता है, तो वो सब जो है
एक तरह से हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि यार वो हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हमारी हेल्प करता है। मैंने कई लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना है कि वो लोग कहते हैं कि यार सरकार क्या ये डोभा वगैरह बना रहा है, इस सब में पैसा वेस्ट कर रहा है हमारा, इससे तो अच्छा होता कि सरकार कोई डैम बना देता, रिजर्वायर बना देता। तो क्या दोस्तों वो डैम या फिर रिजर्वायर बनाना हमारे लिए फायदेमंद साबित होता, या वो ज़्यादा इफेक्टिव होता ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने से? मेरे ख्याल से दोस्तों डैम्स या फिर रिजर्वॉयर्स कोई अच्छा आइडिया नहीं है वाटर को सेव करने का, क्योंकि दोस्तों डैम्स बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एरिया की ज़रूरत पड़ती है, प्लस डैम्स में हमारा पानी पॉल्यूट हो सकता है, पानी इवापोरेट हो जाता है, तो वहाँ हमारा पानी अच्छे से स्टोर होके नहीं रह सकता है। लेकिन दोस्तों जो हमारा ग्राउंड वाटर है, यहाँ पर हमारा पानी सालों साल टिका हुआ रह सकता है, पॉल्यूशन फ्री रह सकता है, कोई भी यहाँ पर पॉल्यूशन कचरा वगैरह होने का चांसेस नहीं है, पानी बिल्कुल प्योर रह सकता है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों कि इसमें हमें कोई ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया नहीं चाहिए कि हमें ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए इतना सरफेस में पानी ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसमें दोस्तों हम लोग अपनी मन मर्जी से छोटे मोटे डोभास वगैरह, यहाँ वहाँ पॉन्ड्स वगैरह छोटे मोटे बना सकते हैं, हमें इकट्ठे लैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग जहाँ चाहे वहाँ छोटे मोटे पॉन्ड्स वगैरह बना सकते हैं। इसमें दोस्तों हमारा नेचुरली पानी इन्फिल्ट्रेट होके हमारा ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स में जाता है, तो इसके कारण हमारा जो है पानी बहुत ही प्योर एंड फ्रेश होता है दोस्तों, और ये हमारे ग्राउंड वाटर टेबल को राइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये खेत में एक सरकारी डोभा बनाया हुआ है छोटा सा। यहाँ पर दोस्तों क्या होता था, ये डोभा बनने से पहले यहाँ का वाटर टेबल बहुत ही नीचे था हमारा। यहाँ पर हमारा खेत जो है इस टाइम तक सूख के पूरा एकदम बंजर हो जाता था, कुछ यहाँ पर होता नहीं था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर वाटर टेबल कितना इंक्रीज़ हो गया है, यहाँ की मिट्टी अभी भी गीली है आप देख सकते हैं, जबकि बरसात खत्म हुए 4 महीने 5 महीने हो गए, लेकिन अभी भी यहाँ की मिट्टी जो है कितनी गीली है, कितनी नमी है इस मिट्टी में, क्योंकि दोस्तों इस डोभे की वजह से हमारा ग्राउंड वाटर टेबल इंक्रीज़ हो गया है, इसलिए हमारा अभी भी इस ग्राउंड में नमी पाया जा रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा स्प्रेडिंग मेथड, जिसके अंडर हमारा डोभा वगैरह या फिर जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है दोस्तों रिचार्ज वेल मेथड। रिचार्ज वेल मेथड में क्या होता है दोस्तों, हमारे पास एक बोर होल होता है, जैसे हैंडपम्प्स वगैरह का होता है ना बोर होल जो बनाया जाता है हैंडपम्प्स के लिए, उस तरह का एक बोर होल होता है जिसमें हम लोग बरसात के पानी को इंजेक्ट करते हैं। अब ये कैसे किया जाता है चलिए देखते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले एक बोर होल चाहिए होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हैंडपम्प का होता है ना वैसा। दोस्तों अगर आप विलेज एरिया में रहते हैं तो आप लोग नोटिस करते होंगे कि विलेज में ऐसे बहुत सारे हैंडपम्प्स होते हैं जिनसे हमारा पानी नहीं निकलता है, या फिर बहुत सारे ऐसे हैंडपम्प्स भी होते हैं जिनमें हमें बहुत ही ज़्यादा देर तक हिलाने की ज़रूरत होती है तभी जाके हमारा पानी निकलता है उनसे। तो ऐसा क्यों होता है, क्या वो हैंडपम्प ख़राब हो गया है? नहीं दोस्तों वो ख़राब नहीं हुआ है, एक्चुअली वो हैंडपम्प का बोर होल जिस एक्वीफर से कनेक्टेड है उस एक्वीफर में हमारा पानी खत्म हो चुका है, इसलिए उसमें या तो पानी नहीं निकल रहा है या तो बहुत ही ज़्यादा देर बाद उसमें पानी निकल रहा है, क्योंकि हमारा वाटर टेबल बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। ऐसे केसेस में दोस्तों गाँव वाले क्या करते हैं, एक नया चापाकल, एक नया हैंडपम्प जो है बना देते हैं, लेकिन ये इफ़ेक्टिव तरीका नहीं है। हम लोग उस हैंडपम्प को भी दोबारा से सही कर सकते हैं अगर हम लोग वहाँ पे रिचार्ज वेल मेथड को यूज़ करें। हम लोग इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, उस बोर होल के चारों ओर एक गड्ढा करेंगे, फॉर एग्जांपल छोटा 4x4 या फिर 6x6 का छोटा गड्ढा करेंगे, और उसमें जो है इस तरह से हम लोग जो है पत्थरों को प्लेस करेंगे। अब इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा जब पूरा तरह से पत्थर प्लेस होकर ये पूरा पैक हो जाएगा तो बरसात के टाइम में जब हमारा पानी गिरेगा दोस्तों तो ये पानी हमारा इस वेल में जमा होगा, और पत्थरों के जरिए हमारा जो है पानी अच्छी तरह से सीप होते होते हमारे बोर होल में जाएगा। अब दोस्तों इससे क्या होगा, हमारा बोर होल का जो एक्वीफर है वो दोबारा से रिचार्ज होगा और हमारा वेल में पानी दोबारा से आना स्टार्ट हो जाएगा। ये दोस्तों काफ़ी इफेक्टिव तरीका है ग्राउंड वाटर को दोबारा रिचार्ज करने का, और ये ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है, और एक नए हैंडपम्प बनाने से तो कई गुना अच्छा है। इसी तरह के छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स दोस्तों हम लोग अपने घरों के आसपास भी बना सकते हैं जहाँ से हमारा रेन वाटर रन ऑफ होता है, जिससे कि हम लोग अपने ग्राउंड वाटर को दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं और अपने वाटर टेबल को ऊपर ला सकते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से स्कूल के बच्चे एक रिचार्ज वेल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा छत का जो सरफेस रन ऑफ वाला वाटर होता है वो स्टोर होकर रहेगा और हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। नाउ आई कैन से ये है मेरा इंडिया, लाइक तो बनता है बॉस। अब दोस्तों हमारा एक लास्ट मेथड आता है इंड्यूस्ड इन्फिल्ट्रेशन मेथड। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा जो बरसात का पानी होता है उसको डायरेक्टली हम लोग ग्राउंड वाटर में ट्रांसपोर्ट करते हैं।
कैसे किया जाता है इसको चलिए देखते हैं। इसमें दोस्तों हम लोग का जो रेन वाटर रन ऑफ होता है उसको हम लोग एक इस तरह के कंटेनर में कलेक्ट करते हैं। अब इसमें हमारा रेन वाटर होता है तो वो जो है रन ऑफ के टाइम बहुत सारे सॉलिड सब्सटेंस को, सस्पेंडेड सॉलिड्स को लेके आता है, तो वो सभी जो है यहाँ पर सेटल डाउन हो जाते हैं इस कंटेनर में, और बाकी के जो हमारे फ्रेश वाटर ऊपर की साइड में होते हैं वो जो है दूसरे पाइप के थ्रू एक दूसरे कंटेनर में जाते हैं। अब दोस्तों ये जो दूसरा कंटेनर है आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हमारा दूसरा कंटेनर है, इसमें भी हमारा फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है वो लगा हुआ रहता है जिससे कि हमारा पानी इनफिल्ट्रेट होकर नीचे जाता है। अब यहाँ पर हमारा जो है ग्रेविटी भी काफ़ी साथ देता है, ग्रेविटी के चलते हमारा पानी जो है नीचे की तरफ जाता है। ये हमारा स्टोरेज वेल है जहाँ पर हमारा ये पानी स्टोर हो जाता है, बरसात का पानी स्टोर होता है। और दोस्तों इस वेल के अंदर अगेन एक पाइप होता है जो कि बहुत ही अंदर तक घुसा हुआ रहता है जो कि हेल्प करता है हमें पानी को एक्वीफर्स तक ट्रांसपोर्ट करने में। इस पाइप के जरिए दोस्तों हम लोग डायरेक्टली एक्वीफर्स में पानी इंजेक्ट कर सकते हैं। ये दोस्तों काफ़ी क्विक एंड एडवांस मैथड है हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको ग्राउंड वाटर रिचार्ज का पूरा कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा, क्या होता है, कैसा होता है, क्यों होता है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो यार हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज ही एक ऐसा मात्र तरीका है जिससे कि हम लोग वाटर स्कार्सिटी के प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं, और इसलिए दोस्तों हमें लोगों को एजुकेट करना होगा, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना होगा ताकि हमारा वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम खत्म हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो को अपनी तरफ से शेयर जरूर करें ताकि लोगों के बीच अवेयरनेस फैल सके। इस वीडियो को बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद दोस्तों हमारा ये वीडियो देखने के लिए।